वेलकम टू टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद नमस्कार, मैं हूँ आपकी दोस्त और आप है टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमित के साथ। क्या आप भी तकनीकी ज्ञान की गंगा की तलाश में हैं? अगर हाँ तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमित बहाने जा रहा है ज्ञान की गंगा, जिसमें आप सीखेंगे कंप्यूटर, मोबाइल और भी बहुत कुछ सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमित के साथ। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमित, स्वागत है आप सबका कंप्यूटर कीबोर्ड ओरिएंटेशन के 18th पार्ट में। कंप्यूटर कीबोर्ड ओरिएंटेशन के 17th पार्ट में हम बात कर रहे थे फंक्शन कीज के बारे में। हमने यह जाना कि F1 और F2 की कैसे काम करते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कंप्यूटर कीबोर्ड ओरिएंटेशन पार्ट 18, जिसमें हम बात कर रहे हैं फंक्शन कीज के बारे में। और इसमें हम जानेंगे कि F3, F4 और F5 ये तीनों कीज कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे F3 की। F3 का इस्तेमाल फाइल एक्सप्लोरर में होता है और इसका इस्तेमाल आप ब्राउजर्स में भी कर सकते हैं। बेसिकली इसका काम क्या है, फाइल एक्सप्लोरर में या ब्राउजर्स में सर्च करने का काम F3 की करता है। तो यदि हम फाइल एक्सप्लोरर की बात करें तो आप कोई भी फाइल या फोल्डर डायरेक्टली सर्च करना चाहते हैं, आप फाइल एक्सप्लोरर में जाके और वहाँ पर सर्च कर सकते हैं F3 की से। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे। और ठीक यही काम आप ब्राउज़र में भी कर सकते हैं, कोई लिंक, कोई हेडिंग, कुछ भी आपको सर्च करना हो ब्राउज़र में वो आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मैं फाइल एक्सप्लोरर में इसे यूज़ करके दिखाऊंगा। तो अभी मैं डेस्कटॉप पे हूँ, यहाँ पे टी प्रेस करता हूँ, दिस PC आएगा, total audio of T, typing T, this PC 3 of 33. इस पे एंटर की प्रेस करता हूँ। This PC window, items view list, folders grouping expanded, preview, this PC collapsed 2 of 3 level 1. तो ये हमारा फाइल एक्सप्लोरर है, विंडोज 8, विंडोज 8.1, विंडोज 10 और विंडोज 11, इनमें this PC के नाम से
आता है, और विंडोज़ एक्सपी में माई कंप्यूटर के नाम से, विंडोज़ 7 में कंप्यूटर के नाम से फाइल एक्सप्लोरर आता है। अब यहाँ पे मैं F3 की प्रेस करता हूँ। Search edit box, search window, search box edit blank, two suggestions available, press down arrow key to access results. ठीक है, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ, suppose just मैं टाइप करता हूँ music. M, U, 10 suggestions, S, 10 I, 9 C, 9 suggestions available, press down arrow key to access results. ठीक है, यहाँ पे वैसे suggestions available हैं, लेकिन हमें इस पूरे फाइल एक्सप्लोरर में जितने भी फाइल्स और फोल्डर्स म्यूजिक नाम से हैं वो चाहिए हमें, है ना। तो इस पे मैं एंटर की प्रेस करता हूँ। म्यूजिक प्रीव्यू, दिस पीसी कोलैप्स्ड 2 ऑफ 3 लेवल 1 9%। और यहाँ पे हमें थोड़ा वेट करना होगा, 19%, क्योंकि सर्च करने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, पूरे फाइल एक्सप्लोरर के अंदर से ये सर्च कर रहा है, और जितने भी म्यूजिक नाम से फाइल्स और फोल्डर्स होंगे वो हमें दिखाएगा। 59%। और थोड़े ही देर में हमें यहाँ पे इसका रिजल्ट देखने को मिलने वाला है, और यहाँ से हम उसे पूरी तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं, कॉपी कट पेस्ट सब काम हो सकता है, 79%। उसको प्ले करना हो, रीनेम करना हो, कुछ भी करना हो कर सकते हैं हम। तो ये शॉर्टकट तरीका है किसी भी फाइल और फोल्डर को सर्च करने का, है ना। और जो देखने वाले होंगे वो अभी भी देख पा रहे होंगे 89% कि बहुत सारा रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है स्क्रीन पे, और बाकी मैं अभी स्क्रीन रीडर के थ्रू दिखाऊंगा कि कैसे इसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, जितने भी रिजल्ट्स यहाँ पे हमें मिले हैं, है ना। तो बस ये कंप्लीट होने वाला है। वैसे तो मैं आपको अभी भी दिखा सकता था, लेकिन मैं एक बार पूरा रिजल्ट आ जाए उसके बाद देखना ज़्यादा बेहतर होगा, और हम देखेंगे कि म्यूज़िक नाम से कितने फाइल्स या फोल्डर्स यहाँ पे हमें मिल रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे से हैं। ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो चुका है। मैं अब यहाँ पे चूंकि ज़्यादा समय यहाँ पे ले रहा है, तो मैं यहाँ पे टैब की प्रेस करता हूँ, है ना। Items view list, music not selected 15 of 100, music not selected 15 of 100, music not selected 15 of 145, music not selected 15 of 100, music not selected 15 of 205. जैसे जैसे ज्यादा ज्यादा रिजल्ट आते जा रहे हैं, वैसे वैसे ये बढ़ता जा रहा है, आप सुन पा रहे होंगे। तो एक बार प्रोसेस दोहरा देता हूँ मैंने क्या किया है। यहाँ पे मैं फाइल एक्सप्लोरर में आया हूँ, यहाँ पे मैंने F3 की प्रेस किया है, और यहाँ पे मैंने टाइप किया म्यूज़िक। आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं जो आप सर्च करना चाहते हैं। वहाँ पे MUSIC मैंने टाइप किया है, और उसके बाद एंटर की प्रेस किया। एंटर की प्रेस करके वहाँ पे एक बार मैंने टैब की प्रेस किया, ठीक है, और उसके बाद सारा रिजल्ट हमें सामने देखने को मिल रहा है। मैं अप एरो और डाउन एरो से सारा रिजल्ट देख सकता हूँ। Music 14 of 300, meditation music no copier, music 01.mid 12 of 340. ठीक है, टोटल जो है 340 रिजल्ट्स यहाँ पे आए हैं, और हम इसे अप एरो डाउन एरो से एक्सप्लोर कर सकते हैं, और इसको प्ले करना है तो प्ले कर सकते हैं। मैं कुछ प्ले करके भी दिखा देता हूँ। Meditation music no copyright 256 kbps. Missing problem with shortcut dialog, the item meditation music no copyright 256 kbps cpr dot mp3 that this shortcut refers to has been changed or moved music. Okay, so अभी ये available नहीं है इसका shortcut, सिर्फ create है, तो कोई बात नहीं। कुल मिला के एक example आपको दिखाना था कि यहाँ से हम सारा काम कर सकते हैं, इसको प्ले कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, और कहीं पे ले जाके उसको पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सब इसके खुद करके देख लीजिए। फिलहाल हम आगे चलते हैं, और इसको मैं बंद करता हूँ Alt F4 से। Desktop list, और अब हम बात करते हैं F4 की कि इसका क्या इस्तेमाल है F4 की।
F4 की से होता क्या है कि हम जिस लोकेशन पे होते हैं उसका एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, सबसे पहले ये जान लीजिए कि इसका इस्तेमाल हम फाइल एक्सप्लोरर में करते हैं और ब्राउज़र में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्राउज़र में जैसे आप F4 की प्रेस करेंगे तो वहाँ पे आप किस वेबसाइट पे हैं उसका एड्रेस आपको पता चलेगा, है ना। और फाइल एक्सप्लोरर में जैसे ही आप F4 की प्रेस करेंगे, आप जहाँ पे भी होंगे, जिस लोकेशन पे होंगे, वो पूरा लोकेशन बताएगा कि सबसे पहले आप किस फोल्डर में गए, उसके बाद आप किस फोल्डर में गए, और ये पूरा लोकेशन आप देख सकते हैं। अभी मैं प्रैक्टिकली करके भी दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं फाइल एक्सप्लोरर में, यानी दिस पीसी में, एक बार टी प्रेस करके देख लेते हैं। ठीक है, दिस पीसी है, यहाँ पे मैं एंटर की प्रेस करता हूँ। This PC window, items, view, list, folders, grouping, expand. और मैं किसी हार्ड डिस्क की किसी पार्टीशन में चलता हूँ, जैसे items, view, list, devices and drives, grouping, expanded, library, D, 9 of 11. ठीक है, D कॉलम में चलता हूँ, यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। Library, D, items, view, list, backup, bitch. ठीक है, यहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर के फोल्डर में चलता हूँ। S, software, library, 7 of 13. एंटर करता हूँ यहाँ पे। Items, view, list, a power stop. और यहाँ पे जॉस के फोल्डर में चलता हूँ या NVDA के फोल्डर में चलता हूँ। NVDA 15 of 81. इस पे एंटर करता हूँ। Items view list add-ons not selected 1 of 2. ठीक है, पहला फोल्डर है add-ons, यहाँ पे स्पेस करते हैं, सेलेक्ट हो जाएगा। Space selected. एंटर करता हूँ। Items view list add an updater 21.07. add-on not selected 1 of 8. ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं कि मैं काफी अंदर आ चुका हूँ फाइल्स के। तो सबसे पहले मैं दिस पीसी में गया, यानी फाइल एक्सप्लोरर में। वहाँ पे मैंने डी कॉलन को सेलेक्ट किया है और डी कॉलन के अंदर सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी के नाम से फोल्डर है, उसमें आया हूँ। उसमें NVDA नाम का एक फोल्डर है, उसमें आया, और उसमें एडॉन्स नाम का एक फोल्डर है। मैं अभी यहाँ पे हूँ। तो जैसे ही देखिए मैं F4 की प्रेस करूँगा, ये पूरा लोकेशन बताएगा कि कहाँ कहाँ से गुजर के मैं यहाँ पे आया हूँ। Pain, address combo box D, software library NVDA add-ons expanded, edit DD, software library NVDA add-ons. तो जैसा कि आपने देखा कि ये सारे locations यहाँ पे बता रहा है, और हम सब चीज देख पा रहे हैं कि कहाँ से गुजर के हम कहाँ आ पाए हैं। तो इसको अब मैं बंद करता हूँ और अब मैं डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ। अब हम बात करते हैं F5 की। F5 की का क्या इस्तेमाल है? F5 की से हम रिफ्रेश कर सकते हैं। क्या रिफ्रेश कर सकते हैं? अपने स्क्रीन को। जैसे कई बार क्या होता है कि हम ब्राउज़र्स कोई यूज़ कर रहे होते हैं और हमारा इंटरनेट स्लो काम करता है, ऐसे में किसी पेज पे आधा पेज ओपन हो पाता है और वहीं पे वो अटक जाता है। उसको दोबारा रीलोड करने के लिए हमें F5 की प्रेस करना पड़ता है, ताकि जो पेज ओपन होने का प्रोसेस है वो दोबारा से शुरू हो सके। ठीक है, यह है F5 की का काम। ये तो हो गया ब्राउज़र में। जब हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो हमारा कंप्यूटर कभी कभी हैंग करता है, या आपने स्क्रीन पे देखा होगा कि हम काम कुछ और कर रहे होते हैं और जो हमने पहले काम किया होता है हमारे स्क्रीन पे वो आ रहा होता है। तो इसके लिए हमें स्क्रीन रिफ्रेश की आवश्यकता होती है, जो कि F5 की से होता है। F5 की से आप अपने काम को अच्छे से कर पाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर थोड़ा बहुत कंप्यूटर आपका हैंग कर रहा है तो वहाँ पे आप F5 की का मदद
ले सकते हैं और इसकी मदद से आप इसको हैंग होने से बचा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे कि यदि ये थोड़ा बहुत हैंग हो रहा है, काम देर से कर रहा है, कीज़ जल्दी जल्दी काम नहीं कर रहे हैं या माउस का कर्सर जल्दी जल्दी नहीं भाग रहा है, तो इसके लिए हम F5 की का इस्तेमाल करते हैं। तो फिलहाल चूंकि अभी ये लैपटॉप बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तो यहाँ पे मैं जब F5 की प्रेस करूँगा तो कुछ आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है या क्या परिवर्तन हुआ है। इसीलिए ये आप तभी इस्तेमाल करके देख पाएंगे जब आपके लैपटॉप आपके कंप्यूटर में कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स आए, चाहे आप ब्राउज़र्स में हों या कहीं और पे भी हों। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। फंक्शन कीज से रिलेटेड हम और भी बहुत सी बातें करने वाले हैं, लेकिन अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए नमस्कार। तो कैसा लगा हमारा ट्यूटोरियल? आप अपने सुझाव हमें ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए दे सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amitkumar.kirolimalcollege@gmail.com amitkumar.kirolimalcollege@gmail.com हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9971306383 9971306383 9971306383